फजल जो होवे हम बंदो दो सारी मया करो तो छूटिए तुही जो सतार या अली तुही जो दातार मेहर करो मोरा साईया अली हम तेरे आधार मला नाज इमाम पे सजा पड़ो दिन ना मला ना सजा खुदा ताला ने रसूल के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अपने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। लाखों साल से कि हमें मालूम नहीं कि कितने साल से खुदा ताला के नबी इस दुनिया में आते रहे। हर जमाने के हिसाब से खुदा ने इंसान को अपनी हिदायत भेजी। इस वक्त हमारे सामने जो दुनिया के दीन हैं, इन दीनों में पुराने से पुराना दीन वो हिंदुओं का सनातन है, जिसके अंदर वेद है। इससे ज्यादा पुरानी मजहबी किताब दुनिया में कोई नहीं। वेदों के अलावा खुदा ताला ने और भी बहुत सी किताबें उतारी। आप लोगों को मालूम होगा 1,24,000 पैगंबर खुदा ताला ने भेजे। इन 1,24,000 में 114 रसूल थे। हर नबी रसूल नहीं होता। रसूल वो होता है कि जो नई शरीयत लेके आवे और पुरानी शरीयत को बंद करे, यानी पहली किताब खत्म हुई दूसरी शुरू हुई। जिस तरह से एक स्कूल के अंदर स्टैंडर्ड हैं या ग्रेड्स बढ़ते हैं, किंडरगार्टन के बच्चे प्राइमरी में जाते हैं, प्राइमरी के सेकेंडरी में जाते हैं, तो जब भी कोई रसूल आते थे तो रसूलुल्लाह जो थे उस जमाने के अंदर वो नई शरीयत लाते थे, थोड़े से पुरानी शरीयत की चीजें भी रखते थे। तो इस तरह 1,24,000 में से सिर्फ 114 रसूल हुए, तो उसका ये मतलब है कि 114 किताबें खुदा ताला ने नाजिल की। आप ऐसा नहीं समझना कि ये तौरात, जबूर, अंजील और कुरान ये चार किताबें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हर रसूल एक किताब लेके आया और यह किताब उस जमाने की शरीयत में आती थी। अब जो तौरात आप ले लें, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी, तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्राहिम रसूल थे, नबी भी थे, रसूल भी थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो सहीफा उतरा यानी किताब उतरी वो कहां है? इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके हजरत दाऊद पैगंबर तक, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर खुदा ताला ने जबूर नाजिल की। तो तौरात और जबूर के दरमियान, हजरत मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान और भी कुछ नबी या रसूल आए होंगे, उन पर भी कुछ किताब उतरी होगी, और वो कहाँ है? तो इस तरह एक बात जरूर बनी
कि तौरात और जबूर के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो जबूर में आ गया, और जबूर से पहले जो कुछ था वो जबूर में आ गया, और उसके बाद अंजील में आया। लेकिन खुदा ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि आज तक जितने भी मैंने सहीफे उतारे वो सब मिला के कुरान शरीफ में है। तो कुरान के अंदर वेद का इलम भी है, गीता का इलम भी है, तौरात और जबूर का इलम भी है, इंजील का इलम भी है, तमाम 1,24,000 नबियों को जो कुछ भी हिदायत खुदा ने फरमाई उसका जो लुबे लुबाब यानी नचोड़ एसेंस है वो कुरान शरीफ में है। मैंने आपको ये बात इसलिए समझाई कि मुझे जो कहना है वो आपको समझ आ सके। तो इन तमाम पुरानी किताबों के अहवाल हमको इन तमाम सुहाइफ पढ़ने से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब वेदों की स्टडी की और तौरात और ज़बूर भी पढ़ी, दूसरे मजहब की किताबें भी पढ़ी, पारसी मजहब की जिंदावस्था भी पढ़ी, इन तमाम किताबों के अंदर जब बिगिनिंग थी तो खुदा ताला के फरामीन जो थे वो बड़े सख्त थे। जो जो जमाना बदलता गया और दुनिया के अंदर तहजीब बदलती गई, लोग इल्म वाले और एजुकेशन वाले बढ़ते गए, इंसान की समझ और इंसान का जो मिजाज था वो बदलता गया, इस हिसाब से खुदा का पैगाम भी बदलता गया। इन तमाम का लुबे लुबाब यह है कि जैसे जैसे जमाना बिगड़ता गया, गुनाह बढ़ते गए, तैसे तैसे खुदा ताला की बख्शिशें बढ़ती गईं। तो रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर जो खुदा ने कुरान पाक नाजिल फरमाई, तमाम किताबों का ये एसेंस और नचोड़ है। लेकिन कुरान पढ़ने से एक बात जाहिर होती है जो खुदा कहता है कि मैंने अपने आप के ऊपर अपनी रहमत नाजिल कर रखी है, लाजिम कर रखी है। यानी खुदा फरमाता मैं हर हालत में मैं रहमत करूंगा। पहले सुहाइफ में ये चीज नहीं है। इस आखिरी दौर के अंदर, इस आखिरी पैगाम के अंदर खुदा ताला ने जहां के शैतान का जोर बढ़ता गया, खुदा की रहमत बढ़ती गई। हमारे गुरपी सदरदीन ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि चार युग का हिसाब करें, हालांकि चार युग से पहले बहुत जमाना था, चार युग से पहले चार कल्प थे, चार कल्प से पहले तीन करण थे, तीन करण के पहले का जमाना भी है, चार युग। इसकी मैं आपको अरिथमेटिक देना नहीं चाहता क्योंकि बेहिसाब लंबा टाइम है, कंप्यूटर चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए। ये जो हमारे चार युग हैं, ये 43,20,000 बरस लंबे हैं, 4.32 मिलियन ईयर होते हैं, उसमें भी 4,25,000 बरस बाकी हैं, यानी लगभग 39,00,000 बरस गुजर चुके चार युग में से। लेकिन ये सारे के सारे चार युग मिला के 43,20,000 बरस मिला हुए, तो जो आखिरी कल्प था चार कल्प में से, तो उसकी चार घड़ियों के बराबर ये 40,00,000 बरस है। तो कल्प कितना लंबा होगा? इस तरह इसके पहले जो करण थे तो उसका भी हिसाब करो तो हिसाब बिगड़ आता है। यानी करोड़ों नहीं, अरबों 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 बरस हो चुके इस जमीन को, सिर्फ इस जमीन के ऊपर इंसान रहता है उसको भी तो बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है। इन तमाम बातों का कभी हम ख्याल करें तो पीरसन कबीर जी कहते हैं कि या मौला, मैंने 8,00,000 करण तेरी इबादत की, तब तू इतना राजी हुआ कि तूने मुझे अपना दीदार दिया। 8,00,000 करण, या खुदावंद, 8,00,000 करण पीरे तारी
बंदगी जकी थी, प्यारे ते मुख दिखलाया जी, या खुदावंद। 8 लाख बरस, सॉरी 8 लाख करण मैंने बंदगी की, तब जाके तूने दीदार दिया। अब उसके सामने हम लोगों को 1 घंटा मौला ने इनायत किया कि तुम 1 कलाक के अंदर, 1 घंटे के अंदर, इन 60 मिनटों के अंदर अगर सच्चे दिल से इबादत करोगे तो तुम्हें दीदार मिल सकता है। कहां वो 8 लाख करण, और वो भी पीर की इबादत, और कहां हमारी 1-2 मिनट की इबादत। ये क्या चीज जाहिर करती है? करम और रहम। बहाना ढूंढता है दीदार देने का। तो मैंने जो आपको पीर हसन कबीर दिन का गिना सुना है कि साहिब तेरा कर्म जो होवे, फजल होवे। कर्म कहते हैं कोई कारण के बगैर, कोई वजह के बगैर रहम कर देवे। और फजल कहते हैं कि हमारी तौफीक नहीं, हम लायक नहीं, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमको बख्शीश देता है, उसको फजल कहते हैं। जब हम खाना पीना खाते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं तो हम कहते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये सब कुछ खुदा के फजल से है। मतलब ये कि उसने बख्शीश दी है। फिर हसन कबीर दिन के गिनानों के अंदर खुदा की रहमत और कर्म का बहुत जिक्र है। साहिब तेरा कर्म होवे, तेरा फजल होवे। हम बंदो दोसारी, या मौला मैं बंदा हूं, दोसारी हूं। दोसारी कहते हैं इधर का भी उधर का भी, एक का नहीं, यानी दुनिया का भी हूं, दीन का भी हूं। मेरा ध्यान दुनिया में भी जाता है, दीन में भी जाता है। मैं दोसारी हूं, दो तरफ हूं। और हम दुनिया छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमको दुनिया में भेजा गया है। हमारे ऊपर खुदा ताला ने कुछ फराइज रखे हैं। पहला फर्ज यह है कि हम अपनी रोजी ढूंढें। फिर बीवी बच्चे आते हैं तो उनको पालने का भी हमारे ऊपर फर्ज है। माँ बाप की खिदमत का करना फर्ज है। यानी दुनियादारी भी रखी है, और इसके अलावा वो परवरदिगार जिसने हमें सब कुछ दिया, पैदा किया, उसका हक तो सबसे ज्यादा है। तो यार मौला क्या करूं, मैं दुनिया में भी फंसा हूं, दीन में भी हूं, मैं भूलता नहीं हूं, लेकिन मैं दोसारी हूं। हम बंदो दोसारी, मैया करो तो छूटिए, तू अगर रहम करे तो मैं इसमें से छूट सकूं। ये जंजाल में से निकलना बहुत मुश्किल है। पीर ने एक जगह कहा है ना कि कुटुंब परिवार जो है वो एक जंजाल है। जंजाल यानी ऐसी चीजें कि जो फंसा देती हैं आदमी को, आदमी उसमें से निकलना नहीं चाहता। समुन्द्र में अंदर एक जानवर है मछली की तरह, मगर वो मछली की तरह लंबा नहीं, ऐसा गोल होता है, लेकिन उसके 8 हाथ होते हैं। उसको इंग्लिश में टेंटेकल्स कहते हैं, 8 टेंटेकल्स होते हैं, उसको ऑक्टोपस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये ऑक्टोपस अगर किसी को पकड़ता है तो उसमें से छूट नहीं सकता। कभी उसको एक हाथ में से छूट जाएगा तो दूसरे पकड़ लेंगे। तो 8 हाथ से पकड़ा हुआ है। हम इंसान इस दुनिया के अंदर, और खासतौर पर आज की दुनिया में, के जहां गुनाह बहुत बढ़ गए हैं, शैतान का जोर बहुत हो गया है। अगर मैं पीरों का कलाम बयान करूं तो गुरपी सदरदीन कहते हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि 97.5% यानी 97.5% दुनिया के अंदर गुनाह होंगे, 2.5% सिर्फ नेकी होगी। और यह भी दूसरे तरीके से यूं फरमाया कि दुनिया में 2.5% 100 में से अधी मोमन होंगे और 97.5% काफर होंगे। ऐसा खराब जमाना है। हालांकि इतना खराब अभी आया नहीं, लेकिन नेक्स्ट 100 ईयर्स दुनिया में बहुत खराब है। मैं बहुत आवाजों में 5-7 साल हुए मैंने बोलना शुरू किया है कि दीनदारों जमाना आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जाएगा। वो गए 5 बरस में बहुत खराब हो गया है, आने वाले 5-10 बरस में इससे ज्यादा खराब हो जाएगा। 70-80 के 100 बरस के अंदर जमाना ऐसा खराब होगा कि पीर कहते हैं उस जमाने के मोमन दुआ मांगेंगे कि या मौला अब दुनिया में नहीं रहा जाता, इतने गुना बढ़ जाएंगे।
इन गुनाहों से बचने का एक ही रास्ता है और वह है खुदा की याद, उसकी इबादत। अल्लाह फरमाता है कि खुदा के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है, तस्कीन मिलती है। उसके कर्म पाने का कोई बहाना होना चाहिए। खुदा ऐसा है, नबी कहते हैं कि खुदा बख्शीश देने के लिए बैठा है, कोई बहाना ढूंढता है। हम उसको बहाना दे रहे रहम करने का, दिन को सारा दिन को काम भी करो, अपने दिल में मौला को याद करते रहो। उसकी रहमत पाने के लिए हम उसको कोई बहाना दे रहे हैं कि या मौला, इस गुनाह भरी जिंदगी के अंदर, इस गुनाह भरी दुनिया के अंदर, इस हालत के अंदर के जो शैतान का जोर बेहिसाब है, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि जो आज से 50 बरस पहले कभी हम ख्याल भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ऐसे हालात बिगड़ जाएंगे और भी बिगड़ेंगे, इंसान बेहया हो जाएगा, इंसान जानवर की तरह बन जाएगा। किधर 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 एक बत्ती जलेगी। पेशे मस्मा बाब कहते हैं कि 12 कोस पे एक बत्ती जलेगी। ये 12 कोस के लगभग 25 मील होते हैं, 2 मील का एक कोस होता है। तो फिर कहते हैं 25 मील पे एक बत्ती जलेगी। यहाँ बत्ती जलने का मतलब दिल के अंदर नूर की बत्ती की बात है। ये 25 माइल में छोड़ो, इन लाखों आदमियों में से एक आदमी मिलेगा कि जिसके दिल में खुदा ताला की मोहब्बत और उसका नूर होगा। पीरों ने बहुत सी चीजें कलाम के अंदर फरमाई है। तो मोमिनों, ये जो जमाना हम पसार कर रहे हैं, इस जमाने के अंदर खुदा की बख्शिशें बहुत है, हमें थोड़ा बहाना दे देना चाहिए। रसूल अकरम की एक हदीस मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख से सुनी, जो कि बाद में हदीस में मिल गई। हमारे बहुत से गिनानों में रसूल की हदीसें हैं कि जो हमें मालूम नहीं। जैसे कि एक सारा गिनान है पीर शमसमा बाप का, कि जिसके अंदर हजरत जिब्रील को नबी पाक पूछते हैं कि तू है जिब्रील, मैं गुजर जाऊंगा तो मेरे बाद क्या वही का सिलसिला बंद हो जाएगा, तो फिर तो दुनिया में नहीं आएगा। कहते या नबी, मैं 10 दफा आऊंगा और हर दफा ये चीज ले जाऊंगा, ईमान ले जाऊंगा, शर्म ले जाऊंगा, सखावत ले जाऊंगा, अदल इंसाफ ले जाऊंगा, कुरान ले जाऊंगा, इलम ले जाऊंगा, मुरव्वत ले जाऊंगा, ऐसी 10 दफा मैं आऊंगा, 10 दफा चीजें ले जाऊंगा। तो ऐसी हदीस, ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक हदीस सुनाई। रसूल फरमाया, ऐ मुसलमानों, आज मेरे जमाने में अगर दीन के अंदर तुम 90% अमल करोगे और 10% नहीं करोगे तो भी तुमको पूछा जाएगा और सजा मिलेगी। मतलब कि 100% काम करो तभी खुदा तुम्हें बख्शेगा। लेकिन ऐसा जमाना आएगा कि तुम सिर्फ 10% अमल करोगे और 90% नहीं करोगे तो खुदा ताला तुमको बख्श देगा। 10% करने से भी तुमको मुआफ कर देगा। वो जमाना ये है। कोई आप में से पाकिस्तान से आया, कोई हिंदुस्तान से आया, कोई अफ्रीका से आए, आप याद करो कि आप के आने से पहले आपके उस मुल्क के हालात कैसे थे, और इस मुल्क में अमेरिका और कनाडा वगैरह में आपके आप देखो तो हालात कैसे हैं दीनदारों। इस पाक जगह के ऊपर सारी नापाक चीजें कहने के लिए ताकत भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए। ऐसे दुनिया के हालात खराब हो चुके हैं, बदियां बढ़ गई हैं। खुद हमारी जमात के अंदर इधर की बदियां घुस रही हैं, हमारी जमात के अंदर भी। हालांकि हम न्याज पीते हैं, मौला के छतर के नीचे हैं, लेकिन इन तमाम बदियों से बचने का एक ही रास्ता है, इबादत करो, मौला को बहुत याद करो। इस्माइली मजहब का जो एसेंस है ना, वो ये सुबह की इबादत है। ये इस्माइली मजहब का एसेंस है, दुआ पढ़ना, न्याज पीना, शाम की हम जो तमाम अमल आमाल करते हैं वो जरूरी हैं। जरूरी इसलिए है कि वो हमको ट्रैक पे रखते हैं और हमारे बच्चों को वो इल्म मिलता है। लेकिन इस्माइली मजहब का जो हकीकी मजा है वो सुबह की इबादत है। और आज की इस दुनिया में बचने के लिए ये सुबह की इबादत बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है।
इस दुनिया के अंदर हालात की बात करते करते मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ, माइल्ड चीज है इसलिए कहता हूँ। कहते हैं माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। कहा जाता है कि माँ का जो प्यार है वो खुदा के प्यार का सैंपल है, और माँ का प्यार हकीकी प्यार है। लेकिन आज के कलयुग के अंदर, इस जमाने में, कनाडा के अंदर जो BCA मैं वैंकूवर में रहता हूं, एक दिन सुबह अखबार पढ़ा, खबर पढ़ के आंखों में आंसू आ गए। क्या पढ़ा मैंने कि एक माँ ने जो ड्रग पीती थी, कुछ काम करती होगी, ड्रग के नशे में होगी, उसकी वो 2.5-3 बरस की लड़की थी, कुछ मांगती होगी, सताती होगी। माँ को गुस्सा आया, उसने लड़की को उठाया और वॉशिंग मशीन में डाल के उसने उसको ऑन कर दिया, लिड बंद कर दिया, लड़की अंदर मर गई। फिर तो पुलिस पकड़ गई, कोर्ट में केस हुआ। लेकिन माँ अपनी लड़की को वॉशिंग मशीन में डाल के मार डाले, कभी ऐसा सुना नहीं था, मगर कलयुग के अंदर ये बातें बन रही हैं। और भी ऐसी खराब बातें बनती हैं कि जो पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या मौला मेरी जमात को बचाना, मैं हमेशा अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल लेता हूं, लेकिन हमारी जमात को असर हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में आज लगभग 80,000 इस्माइली हैं, 45-46,000 कनाडा में हैं, 32 और 35 के दरमियान यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, 80-85,000 से ज्यादा है। और भी इंशाल्लाह 5-10 बरस में या ये सेंचुरी पूरी होगी तो हम इंशाल्लाह 1,00,000 इस्माइली इधर होंगे। इन 1,00,000 इस्माइलियों को जो आज 1,00,000 हैं, 10-20 बरस के बाद ये जो छोटे बच्चे जवान होंगे, जो इधर के लोगों और बच्चों के साथ मिलते हैं, गिलते हैं, दोस्ती करते हैं, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनकी गर्मी इनको लगेगी। हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को इधर का माहौल, इधर की सोसाइटी, इधर का माशरा जो कुछ भी है, वो हमारे बच्चों के ऊपर असर करेगा, हमारे ऊपर भी असर कर रहा है। तो दीनदारों, इनमें से बचने के लिए रास्ता क्या? हमें एक दिन गुजर जाना है, आज से 50 बरस के बाद क्या हालात होंगे हमें मालूम नहीं। एक बात जरूरी है कि पीरों के हुक्म और फरमान से, हसन इमाम के फरमान देख के दिल में ये डर पैदा होता है कि 50-100 बरस के अंदर हालत बहुत खराब होगी। ईमान रहेगा नहीं, मोहब्बत रहेगी नहीं, अच्छाइयां नेकियां नहीं रहेंगी, स्वार्थ, खुदगर्जी और तमाम किस्म के गुनाह बढ़ जाएंगे। जना बढ़ जाएगा, शराब बढ़ जाएगी, झूठ बोलना और दगा फरेब करना, ये तमाम किस्म की जो लानतें हैं वो दुनिया में बढ़ रही हैं। और ये चीजें फिर इंसान का ईमान खराब करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ताला की याद भी दिल में से निकल जाती है। खुदा याद ही नहीं आता, न मस्जिद याद आती, न जमात खाना याद आता है, न चर्च याद आता है, और इस तरह दुनिया खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे ऊपर एक छतर है जो दुनिया के और कौमों के ऊपर और नहीं है, वो हाजिर इमाम है। वो बारिश बरसाता रहता है रहमत की, फरमान भेजता रहता है, आता रहता है, दीदार देता है, और बैठे बैठे वहां से भी दुआएं भेजता रहता है। हमारे ऊपर एक ये रहमत उसकी बहुत बड़ी है, मौला के छतर के नीचे रहें, मौला की फरमान बरदारी ताबेदारी में रहें, गुनाहों से बचें। अगर आप अपने आप को ठीक कर लो, मैं अपने आप को ठीक कर लूं, तो उसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ नेकी चलती रहेगी। इंशाल्लाह मौला जरूर मदद करेगा। लेकिन मेरी ये एक बुजुर्ग के तौर पे कहूं या भाई के तौर पे कहूं, मोमिनों सुबह की इबादत ज्यादा करो। जो लोग आप में से दूर रहते हैं, घर पे इबादत करो, लेकिन जरूर करो। 1 घंटा नहीं हो सकता, आधा पौना घंटा करो,
चार और पांच के दरमियान कुछ भी हो जावे आप उठो, जरूर उठो, हाथ मुंह धो, वॉशरूम में से निकल के, घर में जाते हो तो जमीन पे बैठ के इबादत करो, सोफा या कुर्सी पे या पलंग पे नहीं, जमीन पे बैठो, बन सके तो जमात खाने आओ, रोज आओ, नहीं तो घर पे तो जरूर बैठो, मगर इबादत तो रोज होनी चाहिए। एक भी दिन खड़ा नहीं करो, एक भी दिन, एक घंटा नहीं तो थोड़ा, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, जितना कर सकते हैं। फिर दुआ मांगो, दुआ पढ़ो, मौला को कहो कि या मौला मेरी सारी जमात को इस कलयुग की हवाओं से बचा के रख, हमारे चारों तरफ आग लगी है, गुनाह की आग, इस गुनाह की आग में हम जलेंगे नहीं लेकिन सेक तो लगेगा, तो ये सेक में से भी बचाने के लिए कभी हम गीले कपड़े यानी कपड़े को पानी में भिगो के आग के नजदीक जावे तो बच सकते हैं। ये पानी मौला की रहमत का पानी है। इबादत करो, सारा दिन किसी न किसी नाम से मौला को याद करते रहो। दोपहर का वक्त जो होता है 12 और 1 बजे के दरमियान, अगर बन सके याद आ जावे, सुभान अल्लाह की तस्बीह निकालो, और जब ये शाम को 4-5 का वक्त हो जावे तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह निकालो। शाम को तो हम मगरिब की दुआ वगैरह पढ़ते भी हैं, लेकिन दिन के वक्त भी अपने काम काज कभी हाथ में तस्बीह नहीं है तो न सही, जो कि हमारे हजरत इमाम ने हुक्म किया हुआ है कि हर मर्द के पास खीसे में और हर औरत के उसके बैग के अंदर, हैंड बैग के अंदर एक तस्बीह होनी चाहिए। ये इस्माइली के लिए मौला ने हुक्म किया है, खीसे में तस्बीह रखो। और हमारी तस्बीह दीनदारों, ये पूरी 101 दाने की तस्बीह, ये इस्माइली तस्बीह है, वो छोटी तस्बीहां जो 33 दाने की हैं वो हमारी तस्बीहां नहीं है, हमारी तस्बीह 100 दाने की है। इन 100 दानों के अंदर हमारी जितनी भी तस्बीह है, जमात खाने में ठीक है हम लोग 33 दाने की तस्बीह निकालते हैं, लेकिन आप घर में या अकेले जमात खाने में बैठ के भी आपकी जो तस्बीहां हैं वो 101 दाने की तस्बीह होनी चाहिए। अली की तस्बीह निकालो कि पिरशा की निकालो कि अल्लाह की निकालो, 101 दाने की तस्बीह जमात के साथ भले 33 दाने हो, सिवा के रसूल अकरम के फरमान और या हमारे इमामों पीरों के फरमान से बाज ऐसी तस्बीहां हैं कि जिनके लिए मौला ने खसूसी तौर पे फरमान किया है। मैं आपको मिसाल दूं, मौलाना अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला आफत आ जाए, गैर मामूली बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बला आ जाए, तो अली शाह फरमाया 40 दाने तुम पढ़ो उसके, या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा या रब बला बिगरदा, ये एक दाना है, पहले सीधा पढ़ो फिर उसको उल्टा पढ़ो, या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा या रब बला बिगरदा, 40 दाने फरमान किया है। और फरमाया है कि या तो 3 दिन या 7 दिन या 40 दिन ये तस्बीह पढ़ो, लेकिन कोई मामूली तकलीफ में नहीं, बहुत बड़ी बला आ जाए, इंग्लिश में कहते हैं कि कैलामिटी आ जाए तो ही पढ़ो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान किया, ये कच्छ का फरमान है, कि जिस जमात में तुमको खुदा ने जन्म दिया उस जमात के वास्ते भी तुम एक तस्बीह निकालो, 40 दाने पीर शाह के निकालो, तो पीर शाह के 40 दाने रोज निकालो जमात के लिए, कि या मौला जमात को आबाद कर, जमात को मजबूत कर, जमात की बलाएं आफतें दूर कर। तो जहां इमामों ने पीरों ने हमको खसूसी तौर पे कहा है कि तुम ये 40 दाने निकालो, के जैसे कि हम बीबी फातिमा की तस्बीह निकालते हैं, तो रसूल अकरम ने 33-33 दाने फरमान किए हैं, इसके अलावा बाकी हमारी सारी तस्बीहां 101 दाने की हैं। और इन तस्बीहों के अंदर बहुत कुव्वत है, ताकत है, बरकत है। सारा दिन मौला को याद करो, आपका जो मौला ने बोल दिया है बैतुल ख्याल का ये भी याद करो, लेकिन दिन के वक्त बैठ के बैठक नहीं करना, बैठक रात को 4 और 5 बजे के दरमियान ही हो सकती है, ये फरमान में है। तो इस तरह आप अपने आप को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, आने वाले आफत बलाओं से मौला दूर रखे,
इन बलाओं को दूर रखे, हमको इन बलाओं से दूर रखे, हमारी आज औलाद को मौला मोमन बना के रखे। दिन भरो रोजी कमाओ, नेक बन के रहो, गुनाहों से बचो, अपने आमाल दुरुस्त करोगे तो सुबह की इबादत में जल्दी आपको फायदा मिलेगा। वो रहीम व करीम बादशाह जिसने खुद के ऊपर अपनी रहमत लाजिम कर रखी है, बहुत प्यार करने वाला है, उससे ज्यादा बख्शिश देने वाला कोई नहीं। वो बड़ा दरगुजर करने वाला है, बड़ी बड़ी हमारी गलतियां और भूले हमारे गुनाह बख्श देता है। लेकिन एक ही चीज है कि हमको नदामत होनी चाहिए। नदामत का मतलब शर्म आ जाती है। जब ये शर्म आ जाती है ना, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। कम से कम हमको दिल में ऐसा तो है, ये मौला बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे से ये गुनाह हो गया। ये जो हमारे दिल के अंदर पछतावा है, रिपेंटेंस जो है, खुदा को बड़ी प्यारी है। और इससे हम तस्बीह निकालते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। या मौला तू बख्श दे, बख्शने वाला है, मैं तेरे हुजूर में अपने गुनाहों पे तौबा करता हूँ। खुदा को इस्तग़फार बहुत पसंद है। एक तस्बीह इस्तग़फार की होवे, एक तस्बीह शुक्रगुजारी की होवे, और फिर एक तस्बीह हम उसकी तारीफ के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत खुश होता है। सुबह की इबादत में हमको उसका मजा मिलता है, और सुबह की इबादत से आपको रूहानी ताकत आएगी, आपको राइट रॉन्ग का पता लगेगा, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये पता लगेगा, आपके दिल में नूर पैदा होगा, आपकी अक्ल बढ़ेगी, जो मांगोगे मिलेगा, बदियों बुराइयों गुनाहों आफतों बलाओं से मौला दूर रखेगा। बहुत से फायदे हैं दुनियावी भी, दीन के भी। साहिब तेरा करम होवे, यानी तेरा फजल होवे, और हमेशा मौला से हुजूर में ये चीज मांगते रहो। मेरी आपके लिए दुआएं हैं, मौला आपके दिल को नूर से भर देवे, बदियों से गुनाहों से नाफरमानी से बचावे, शैतान को आपसे दूर रखे, कलयुग की हवाओं से बचाता रहे, मुश्किलें मुसीबतें आफत बलाएं बीमारियां दफा रखे। मौलाना हज़रत इमाम आपका ईमान सलामत रखे, मौला दस्तन सुकरीत में पूरा रखे, मौला इबादत बंदगी में फरमान बरदारी में मशहूर रखे। मौलाना हज़रत इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपकी जान माल में औलाद में बरकत दे, मौला रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत दे, मौला आपको बरकतें दे दे, मौला आपको खुशियां दे दे, मौला आपके ऊपर रहमतें उतारे, सुखी रहो आबाद रहो, ज़ारो बातों दीदार नसीब करो।